हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, मैं हूँ मुस्कान कटोच और मुस्कुराते हुए स्वागत करती हूँ न्यूज़ ओनली देख रहे सभी दर्शकों का। अभी मैं मुस्कुराते मुस्कुराते ही ना कलर्स टीवी के सेट पर पहुँच चुकी हूँ। कलर्स टीवी पर एक नया शो जो है वो शुरू हुआ है जिसका नाम है जुनूनियत। काफ़ी लंबे समय से इस शो को लेकर बज बना हुआ है और अभी जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वो है जुनूनियत की लीड एक्ट्रेस नेहा राणा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ ओनली। थैंक यू सो मच। नहीं मैं नेहा नहीं बोलूँगी, मैं इलाही बोलूँगी। यस यस आई लव द नेम इलाही। और मैं ये जानना चाहूँगी सबसे पहले कि इलाही कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, कितना जुनून है इलाही के अंदर कि वो फटाफट टीवी स्क्रीन्स पर आना चाहती है। मैं तो आ गई। हाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं। मैं तो आ गई। मतलब एक होता है ना कि कितनी ज़्यादा खुश हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी जब से प्रोमो रिलीज़ हुआ तब से बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं। आप देख सकते हो मैं सुबह से इंटरव्यूज़ दे रही हूँ और मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ। तो सी आई एम फुल ऑफ जुनून। तो येस आई एम लविंग माई शो एंड आई थिंक इट इज़ ऑल बिकॉज पीपल हैव शोड सो मच ऑफ लव एंड दैट्स द रीज़न आई एम गिविंग दिस इंटरव्यू एंड विद फुल ऑफ जुनून। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंस जो आपका है वो आपके करेक्टर को लेके भी है प्लस सीरियल को लेके भी है। आप तो खुद उसके साथ रिलेट कर ही रही हैं लेकिन शायद आपको लग रहा है कि ऑडियंस भी रिलेट करने वाली है इलाही से। येस बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी जो भी होता है वो मुझे बता देते हैं, दे आर द मिरर्स टू मी। तो दे आर लाइक नेहा वी कैन रियली रिलेट विद इलाही Jordan and Jahan's story. So and all three of you are you know craving for something, so which is like especially actors can also resonate with it because this is our passion and you know we feel blessed when we get such opportunities when you are getting the chance to follow your passion. So Ilahi ke liye jo ek music ke liye passion hai, junoon hai, she is determined to fulfill her dreams, so am I. Aur main apne kirdar se bahut pyar karti hu kyunki main usse bahut I can you know resonate with her on so many levels. Ki Ilahi ko apne art se kitna pyar hai, wo apne art ko leke chori chori riyaz karne nikal jati hai. तो ये उसका जुनून है तो ये सबको देखना चाहिए। और अब जैसा आपने इलाही का बताया कि उसके अंदर जुनून है कुछ पाने का, तो मैं अगर रियल लाइफ की बात करूं तो नेहा जो है उनका क्या ड्रीम है और आपका ड्रीम ऑब्वियसली अभी पूरे तो हुए नहीं होंगे, आपका एक ड्रीम क्या था जब नेहा निकली थी इंडस्ट्री में, तो कॉलेज से आप निकली थी तो आपका क्या ड्रीम था? जैसे इलाही का यहाँ पर ड्रीम है कि उसे एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है। मुझे बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना था इसलिए मैं व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड मैं लुधियाना से बॉम्बे चली गई थी और एक ऐसी लड़की जो कभी अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रही, तो इट वाज माय जुनून। तो जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि ये आप हमेशा ये पैशन रखो। और मैं जब बॉम्बे गई आई वॉज सो नर्वस, बट बॉम्बे ने ही मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं इलाही को वापस अपने होम टाउन लेकर आई हूँ और मैं इस किरदार को जी रही हूँ। एक छोटा सा रैपिड फायर गेम खेलेंगे, मैं जो भी वर्ड बोलूँगी आपके दिमाग में जो भी आएगा उससे रिलेटेड आपको बोलना है। राजमा चावल। राजमा नाउ माय माउथ इज़ गेटिंग वॉटरी, आई एम हंग्री नाउ। या पंजाब। पंजाब सूट्स। जुनून। जुनून एक्टिंग। फास्ट फूड। फास्ट फूड गोलगप्पे। बॉम्बे। बॉम्बे फ्रेंड्स। अंकित। अंकित बिग बॉस। जहान। जहान सौंदर्या। नहीं मैंने अंकित, अंकित इज जहान, जहान इज सॉरी। ओके फिर से करते हैं। अंकित। अंकित बिग बॉस। और जहान। जहान का जहान अंकित। जहान अंकित। गौतम। गौतम रॉक स्टार। इलाही। इलाही जुनूनी। ड्रीम। ड्रीम ड्रीम पैशन को फॉलो करना इज विच इज़ माई एक्टिंग। बचपन। बचपन पेरेंट्स। पेरेंट्स बचपन। ओके सो ये रैपिड फायर था। एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है, अब आपके पास आपके साथ जो आपके को एक्टर्स हैं वो बिग बॉस से आए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इलाही की जर्नी भी कलर्स टीवी के साथ शुरू हो रही है, तो आगे जाके अगर आपको ऑफर आता है बिग बॉस का तो आपके आपका क्या टेक है?
नहीं, मैं बिग बॉस से डरती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता लोगों से, मतलब वहाँ करना क्या होता है मुझे अभी तक नहीं समझ में आया. मैं तो, मुझे लग रहा है कि अंकित को सब बोल रहे थे कि वो चुप रहता है, मैं तो कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं तो चुप रहूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या करना है. मुझसे ना लड़ाई होती है ना मुझसे बहस होती है, मैं तो हाथ जोड़ लेती हूँ कि प्लीज़ मत लड़िए मुझसे. तो पता नहीं, आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू स्टे इवन फॉर वन वीक. अच्छा, ये थोड़ा मेरे लिए भी था कि शॉकिंग था, पर थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. अभी समय की थोड़ी सी कमी है, पर ऑल द वेरी बेस्ट नेहा को भी और इलाही को भी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.